नमस्कार, कैसे हैं आप? आदिशंकर ने देश के चार कोने पर मठ बनाए सनातन की रक्षा के लिए, और उसके बाद उन चारों मठों पर शंकराचार्य स्थापित हुए। इसीलिए भारत में शंकराचार्य का सम्मान बहुत जबरदस्त है। हर मठों में इस मठ की महत्ता है, और तमाम संतों में शंकराचार्य की सबसे ज्यादा महत्ता है। लेकिन हाल के दिनों में एक ऐसा शंकराचार्य जिसने उस मठ की महत्ता को गिरा दी है, और उन्हें अब कांग्रेसाचार्य कहा जाने लगा। अंबानी की शादी में उन्हें बुलाया गया तो उनके लिए खास व्यवस्था की गई। वहां प्रधानमंत्री को ले जाया गया, माना जा रहा है कि वह भी एक साजिश के तहत था। फिर ये शंकराचार्य एनडी गठबंधन के सहयोगी दल के नेता के घर पहुंचे। जी, वो पहुंचे उद्धव ठाकरे के घर और वहां पॉलिटिकल बयान दिया। पॉलिटिकल बयान में उन्होंने साफ कहा कि इनके साथ विश्वासघात हुआ है, और सीधा हमला देश के प्रधानमंत्री पर था। जिस तरह का आभाव उनका हुआ, केदारनाथ पर उन्होंने जो सवाल उठाए, इस तरह से, इस तमाम चीजों से ऐसा लगता है कि उनका सनातन के प्रति नहीं, किसी और पंथ के प्रति उनकी हमदर्दी है। हाल के दिनों में उनके बयान जिस तरह से मुख्तार और अतीक के लिए रहे, इससे भी ये सवाल उठा कि आखिर एक शंकराचार्य जिसको सनातन के रक्षक के रूप में होना चाहिए, उनने ये क्या किया? ये तमाम शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मिले निमंत्रण में नहीं गए, लेकिन अंबानी के निमंत्रण पे गए। क्यों अब ये सवाल उठने लगा है एक शंकराचार्य पर? इस चीज की गंभीरता को समझने की जरूरत है। सतीश जी के साथ हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी अब किस तरह से मूड में हैं? लेकिन उससे पहले देखिए, अंबानी की शादी में एक शंकराचार्य का आना, ऐसा लग रहा है कि उसे तो मनीष जी, इसको शंकराचार्य कहना बंद करिए। इसका नाम उमा शंकर, उमा शंकर गया था। मैं तो उमा शंकर ही कहता हूँ, जो कांग्रेसाचार्य उमा शंकर, ये शंकराचार्य नहीं। अभी दर्शकों को दिखा दो, कुछ दर्शकों को बड़ी आपत्ति होती है कि शंकराचार्य के लिए ऐसा क्यों कहते हैं, तो जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इसको नकार चुका है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया हुआ फर्जी शंकराचार्य है। और हमारे हिंदू धर्म के जितने साधु संतों के अखाड़े हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक, वो सब इसको नकार चुके हैं, इसका बहिष्कार कर चुके हैं। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम और कांग्रेस की टूल किट जो बैठी है न्यूज चैनलों में भी, ये बेशर्म न्यूज चैनल इसको शंकराचार्य कहते हैं। इनकी औकात है कि किसी गैर आदमी को कह दे कि ये जामा मस्जिद का इमाम है। देखिए, ये आदमी गया वहां, और वहां जाकर के मुंबई में ये फरेब फैलाया, सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया, तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? और इसको देखिए, पूरे प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसके इस पूरे फरेब को झूठ बताया गया है कि ये आदमी जो है वो मक्कारी से झूठ बोल रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो कांग्रेसाचार्य है वो वहां जाकर के एजेंडा वहां चलाने गया, बाला साहब ठाकरे के घर जाकर के उद्धव ठाकरे से मिला। और आज जैसे योगी आदित्यनाथ को लेकर के वो पूरा मीडिया चला रहा था, ठीक उसी ढंग से यदि आप देखेंगे तो पूरी जो खैराती मीडिया है उसने एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। केदारनाथ में 128 किलो, पूरे इसी एजेंडे को इसको चलाना शुरू किया। और आप शायद मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी अभी बनी जी, जरा इसका बता दूं, इसके करा फिर इसके फैसले पे आते हैं, इसके फैसले पे आते हैं। अभी आपने क्या नहीं इतना बताया कि ये उद्धव ठाकरे से मिलने गया था। उद्धव ठाकरे का गया तो इसने कहा कि मीडिया को बुला के जरा मातोश्री आवास पर पहुंचे। शंकराचार्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, और इस बात को महाराष्ट्र की जनता जानती है। जो लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं वे हिंदू नहीं हो सकते। उद्धव को विश्वासघात करके सीएम पद से हटाया गया। महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया है कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हैं, और उन्हें पता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। ये नेतागिरी करने गया था बंबई। अभी इसको अंबानी की शादी में न्योता क्यों मिला, ये भी इस पर भी बात करूंगा। बड़ी लंबी कॉन्स्पिरेसी है मनी जी। मैं कभी इसीलिए उस शादी से मैं कतई मुतासिर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा प्रभावित नहीं। मैं कल भी कहा था कि भावुक नहीं होना, ये बड़ा लंबा एजेंडा था। इसको क्यों बुलाया गया था आगे? क्योंकि इसको शंकराचार्य के रूप में बुलाया जाना ही गलत था। और अब दिखाइए मनी जी, ये आदमी वहां नेतागिरी करने गया था, विश्वासघाती सिद्ध करने गया था नरेंद्र मोदी को,
और उद्धव ठाकरे जब भागा तो विश्वासघात करके, तो पागल था मरती था क्या उमा शंकर? ये लगातार मैं देख रहा था, मैंने मैंने भी वो कई वीडियोस देखे हैं जिसमें ये उद्धव ठाकरे के घर गया, पूरी फैमिली इसके साथ जो नतमस्तक थी, और उसके बाद ये कह रहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने हमें बुलाया, और फिर ये कहा एक तरह से वोट मांगा कि हाँ इसको उद्धव ठाकरे की सरकार बननी क्यों जरूरी है। न्यायालय ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य बनाने पर लगाई रोक, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और दूसरा जो है ये जनसत्ता की खबर है, नीचे वाली खबर वो नहीं दिखा दी, दोनों वो अमर उजाला की है, अमर उजाला में ज्यादा साफ दिखा, उसी में ज्यादा जो पहले आपने खोला था फिर इस पे आते नहीं, नहीं जो पहले खोला था आपने जी, ये नीचे ये है जनसत्ता की खबर, दर्शक देख लें कि न्यायालय ने स्वामी अभी इसके शंकराचार्य बनने पर रोक लगी, और नीचे बहुत और साफ दिखा है, ये अमर उजाला की खबर है, फोटो के नीचे बनी थी, फोटो के नीचे जो है ये सुप्रीम कोर्ट स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, और ये 2022 से चल रहा है, ये नहीं है शंकराचार्य, इसको कांग्रेस जानबूझकर प्लांट कर रही है, और उसके लिए पता नहीं न्यूज चैनल के बेसर में जो एडिटर है पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ये इसको शंकराचार्य कहते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म में जबरदस्ती एक नकली आदमी को, एक फर्जी आदमी को जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसको शंकराचार्य कहकर थोप दे रहे हैं इस देश के ऊपर। और ये मैंने उस दिन भी कहा था, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी और क्या कर रही है इस देश की सरकार, ये हिंदुओं की सर्वोच्च पीठ पे एक फर्जी आदमी उमा शंकर, और उसको लादा जा रहा है। अब जरा मनी जी ये तो हुआ न्यायालय का, और न्यायालय कोई छोटा मोटा न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट जिसका ये संविधान बचाने का ठेका लेके घूम रहे हैं। अब जरा ये दोनों खबरें दिखा दी, और इसमें एक तो अभी 2024 की है, एक 2022 की है, एक 16 जनवरी 2024 की है। हरिद्वार अखाड़ा परिषद ने किया स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के अभिनंदन समारोह का बहिष्कार। अब देखिए इसमें मनी जी मैं नीचे पढ़े देता हूँ, फर्जी तरीके से चुना गया शंकराचार्य, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पट्टाभिषेक समारोह पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाते हुए श्री महंत रवीन पुरी ने कहा, ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, स्वामी अविश्वरानंद को फर्जी तरीके से शंकराचार्य चुना गया था और पट्टाभिषेक भी गलत तरीके से किया जा रहा था। निरंजनी अखाड़ा में पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की ओर से उनके अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह नरेंद्र सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 17 अक्टूबर को ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद पर होने वाले पट्टाभिषेक नियामक कार्यक्रम पर रोक लगाने की प्रेरित की थी, और रोक लग गई थी। अब जरा बगल में है मानी कि ये वास्तव में शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, जरा इनकी भी सुनिए। ये वासुदेवानंद सरस्वती अटल जी के समय से, ये अटल जी से भी मिलते थे। ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि बीते दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, ये 2024 जनवरी, और शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने अपना एक वीडियो जारी कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने फर्जी तरीके से अपने आप को शंकराचार्य बता रहे सन्यासी को फटकार लगाई है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अपना एक वीडियो जारी किया है, वीडियो सामने आने के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लेकर बीते कुछ दिनों चल रही तमाम अटकलों और चर्चाओं पर विराम लग गया। और जरा इसमें बनी की और खास बात है, जो हमारे यहाँ ये टूल किट पता नहीं कितना पैसा कांग्रेस ने खर्चा किया है, नीचे है कि तीनों में से किसी शंकराचार्य का विरोध नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिर्पीठ का शंकराचार्य होने के नाते श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हो रहा हूं, और बाकी तीन शंकराचार्य का किसी प्रकार का विरोध मेरे सामने नहीं आया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि बीते दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, बावजूद इसके उन्होंने अपना पट्टाभिषेक करवाया, वह अब अपने आप को शंकराचार्य लिख रहे हैं कि जो कि सरासर गलत है। ये आदमी फर्जीवाड़ा कर रहा है, जालसाजी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, ये फ्रॉड है ये, और ये इस फ्रॉड को हिंदू हिंदू धर्म को थोपा जा रहा है, कांग्रेस प्लांट कर रही है, और क्यों प्लांट कर रही है जो अब दर्शक समझे इसके इरादे कितने खतरनाक है। ये तो नेतागिरी कांग्रेस का एजेंडा लेके कांग्रेस का प्रवक्ता बन के उद्धव ठाकरे का प्रचार करने गया था ये बंबई, और जब सबसे खास अभी वो उनपे आएंगे, वो जो बहुत अरबों खरबों की शादी जिन्होंने की है, कि मुकेश अंबानी को दुनिया की खबरें हैं
उनको नहीं मालूम कि फर्जी शंकराचार्य है। इसको मनीष जी जानबूझकर उस शादी में बुलवाया गया था ताकि इसको ये जो फर्जी इसका जो फर्जी वाला है इसको हिंदू समाज नहीं स्वीकार करता, इसको साधु संत नहीं स्वीकार करते, एक फर्जी आदमी को यहाँ बुला के उसका महिमा वर्णन कर दो तो ये इसका ये हाईलाइट हो जाएगा, सेलिब्रिटी हो जाएगा। इसको सेलिब्रिटी बनाने के लिए फर्जी वाड़ा करने के लिए। और दर्शकों की बात और बता दूं, जरा दोबारा वो वीडियो ध्यान से देखिएगा, नरेंद्र मोदी जब अंबानी के बेटा और बहू को आशीर्वाद दे रहे थे उसके बाद अंबानी उनको ले गया वहां पे जहां ये बैठा था अभी विक्तोश्वरानंद, तो ये मोदी ने इनको प्रणाम किया, इसका पहला रणनीति हुआ जैसा ये बता रहा है, वो झुक के प्रणाम किया क्योंकि वो खुद ले गया था वहां, उसके लिए सिंहासन बनवा के लगवाया था अंबानी ने, तो अंबानी को ठेका दिया गया था कि इसको जरा प्रमोट करो, इसको सेलिब्रिटी बनाओ, एक फर्जी आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट से फर्जी घोषित हुआ, अभी तक इसका ऊपर कोई फैसला नहीं। और हिंदू समाज का तो अखाड़ों का तो अभी आप कुंभ आने जा रहा है 2025 में, तो आप तब आपको पढ़ने को मिलेगा कैसे जो हमारे हिंदू धर्म के अखाड़े हैं उनका कितना हजारों वर्ष का इतिहास है, उनकी क्या सेवाएं हैं इस हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, और उनमें से किसी भी अखाड़े ने इसके ऊपर थूका नहीं है, सब इसको फर्जीवाड़ा बता रहे हम इसको नहीं मानते। ऐसे विवादित और गिरे हुए व्यक्ति को जबरदस्ती इस देश का मीडिया शंकराचार्य कहता है, अखबार इसको शंकराचार्य लिखते हैं, चैनल इसको शंकराचार्य बोलते हैं, उनका उनकी कसौटी क्या उसी है, कहीं नहीं, वो कांग्रेस से पैसा लेके कहते हैं इस बात को प्रचार करिए और इसको थोपिए। और ये जरा इसका दूसरा खतरनाक एजेंडा मनीष जी समझे दर्शक, यहाँ पे इसको उद्धव के लिए प्रचार करने गया ही था कि आज जो इसका आपने शुरुआत में वीडियो दिखाया कि वो जो दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बन रहा है ये उसको रुकवा रहा है, ये कह रहा है कि एक केदारनाथ है वहां पे तो दोबारा दूसरा यहाँ क्यों बना रहे हो, क्या हिंदू धर्म में मंदिर नहीं बनते, क्या शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग उसके अलावा हमारे हजारों नहीं लाखों मंदिर है, लाखों, तो ये हिंदुओं के मंदिरों को रोक लगे वो नए मंदिर ना बने, वो एजेंडा इसको ईसाई सोनिया गांधी ने थमाया है कि कोई बड़ा मंदिर हिंदुओं का नया बने भव्य बने। अरे जब भी बनेगा तो कोई भगवान शंकर का बनेगा, भगवान राम का बनेगा, विष्णु जी का बनेगा, विष्णु जी का बनेगा तो कहेगा क्यों बना रहे हो, तो वहां पद्मनाभ मंदिर है ही है या तिरुपति में है ही है, तो ये इसलिए आया है कि हिंदू धर्म को छिन्न भिन्न करो और कोई नया मंदिर न बनने दो, केदारनाथ महादेव का बहुत भव्य विशाल मंदिर बन रहा है दिल्ली में, ये उस पर रावण की तरह जुटा ये आदमी, क्या परेशानी है केदारनाथ जी का, तो वहां भाई केदारनाथ जी के वो तो ज्योतिर्लिंग है, उसकी वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी समानता किसी से हो ही नहीं सकती, लेकिन क्या दूसरा मंदिर नहीं बनेगा, ये हिंदू मंदिर न बने इस एजेंडे के लिए उतारा गया पाकिस्तानी एजेंट है ये आदमी जो कांग्रेस के इशारे पर नाच रहा है, इसको मंदिर बनने में बड़ी क्या मंदिर का भगवान केदार के नाम से नहीं बनेगा, तो अगर कोई आदमी कहे कि मैं शंकर जी का मंदिर बना रहा हूँ तो कह देगा नहीं नहीं शंकर जी का मंदिर तो अमरनाथ में है, कैलाश पर्वत पे है, केदारनाथ में, बनारस में, यहाँ क्यों बना रहे हो, अरे लाखों मंदिर बनते हैं। और जहाँ अभी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया वो दुबई में जाके सऊदी यूएई में, तो इसके हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए था, इसके हिसाब से नहीं बनना चाहिए था, तो ये हिंदू धर्म को तहस नहस करने के लिए उतारा गया एक कांग्रेसी राक्षस है आदमी, बिल्कुल। और इसलिए दिखता है कि किस तरह से खुल करके ये आदमी शंकराचार्य, यदि बहुत सारे इसके जो भक्त हैं कई बार उनके मैसेज आते हैं कि शंकराचार्य हैं आप लोगों ने ऐसे कह दिया, मैं उनसे कहूंगा कि अपनी आंखें खोल लीजिए, अपनी अकल की आंखें खोल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है और सारे हिंदू धर्म के अखाड़ों ने इसको नकार दिया, तो शंकराचार्य आसमान से नहीं टपकते या कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड से नहीं तय होते कि 24 अकबर रोड पर बैठकर सोनिया गांधी ने दस्तखत कर दिया तो तय हो गया, और क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो जो दूसरे वासुदेवानंद सरस्वती है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसकी ये मठाधीशी कैसे कर रहा है वहां पे, और वहां की आम जनता इसको बिल्कुल नापसंद करती, थूकना नहीं चाहती इसके ऊपर, आम जनता इसके खिलाफ और ये सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ, इस देश के साधु संत इसके खिलाफ, तो धामी कौन, जो पुष्कर सिंह धामी हो कौन सी सेटिंग किए हुए हैं इसके साथ, बिल्कुल। और उस पद की उस पीठ की जो का जो है सम्मान ये आदमी गिरा रहा है कि खुल करके उद्धव ठाकरे के लिए वोट करने की बात कर रहा है, मतलब आप सोचिए कि ये बड़ा षड्यंत्र कहते हैं, चूंकि कांग्रेस के लिए खुल करके बोलेगा तो और बेनकाब हो जाएगा, तो उद्धव ठाकरे को सनातन रक्षक बता करके उद्धव ठाकरे के लिए वोटिंग करने की, तो ये साफ लग रहा है कि वहां ये भोज खाने के आर में कांग्रेस का महाघाड़ी का, चूंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, राम मंदिर के खिलाफ लगातार इसने साजिश करी ही करी, पूरा एजेंडा चलाया ही चलाया, अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है तो ये जानबूझ करके एजेंडा चलाने गया था, तो इस बात से समझा जा सकता है कैसे लोगों के प्रति यदि आप शंकराचार्य का भाव रखते हैं तो फिर
तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए इसे समझना जरूरी था कि जिस स्तर पर देखिए कि पूरे केदारनाथ पर, मतलब आप केदारनाथ के प्रति जो आस्था है बाबा केदार के प्रति, उसे चोटिल किया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके संस्था ने बता दिया कि ये झूठ है, लेकिन इसमें एक नैरेटिव चलाने का खेल किया। मनीष जी मैं इसलिए जब इसका मैंने देखा तो मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि कांग्रेसी राक्षस से उतरा है ये। जिन दर्शकों की थोड़ी रुचि होगी या केदारनाथ से संबंधित खबरों को ध्यान देते होंगे, तो क्योंकि मैं हमेशा रखता हूँ वो जो बन रहा है केदारनाथ वाला चार धाम कॉरिडोर, तो उसकी वजह से मैं हमेशा देखा करता हूँ कि क्या स्थिति चल रही है। तो ये पिछले 3-4 साल से बनी थी ये नौटंकी कांग्रेसी उछालते हैं कि केदारनाथ में 250 किलो सोना चोरी हो गया, उसके बाद फिर सब जुड़ जाते हैं सफाई देने में, बाद में आता कि नहीं कुछ नहीं था ये कांग्रेसी सिहूपा था। वही अभी आप बता रहे कि तत्काल आ गई सफाई इसीलिए आ गई क्योंकि ये नया लेकर नहीं आया कुछ। ये जो 4 साल से कांग्रेसी षड्यंत्र चल रहा है कि हर साल सवा साल में एक हल्ला मचाओ, कांग्रेस यहाँ जो दिल्ली में बैठे दलाल है वो उस पर लिखने लगे, यहाँ यूट्यूब वाले व्यस्याएं नाचने लगे, ये वो काम इसने किया है। और सफाई वाला बनी जाओ तो चाहे पूरा पढ़ के सुना दीजिए दर्शकों को ताकि जान जाए कि इसके आरोप की असलियत क्या है। मेरे पास तो इस समय नहीं है कागज। बिल्कुल, इससे हमने लगातार ये देखा कि ना सिर्फ इस पूरा फर्जीवाड़ा का खेल किया गया है, लगातार ये चल रहा है। और ये प्रधानमंत्री के दौरे पे बनारस में कांग्रेसी गुंडों के साथ घूमने चला रहा था, वहां धरना प्रदर्शन कर रहा था। इसने तो शंकराचार्य की गरिमा को ले जाकर चौराहे पर एक तरह से बेआबरू कर दिया। या इसको एक ये भी तथ्य मेरे ख्याल से इसको ये भी एक एजेंडा मिला है वाया कांग्रेस की, जैसे हिंदू धर्म की 4 शीर्ष पीठे हैं उनको खत्म कर दो, इतना गिरा दो, इतना गलीज कर दो कि लोग उनकी तरफ देखना ना पसंद करें, सम्मान करना तो बड़ी दूर की बात। जैसे कार्यकारी अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से जारी किया गया है और ये फैक्ट करके कहा गया कि ये जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों एवं ज्वेलरी स्वर्णमंडित करवाने के जो कार्य 2022 में एक दानी दाता के सौजन्य से संपादित करवाया गया था, वर्तमान में कतिपय व्यक्तियों के एक वीडियो सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि इतना और मूल्य का सोना मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया, भ्रामक जानकारी प्रसारित कर जनमानस की भावनाओं को आहत किए जाने का प्रयास किया गया है। उक्त संबंध में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति स्पष्ट करना चाहती है, केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में एक दानी दाता के सौजन्य से जो सोना लगाया गया था जिसका वर्तमान मूल्य बाजार में इतना है, स्वर्ण मंडित कार्य हेतु प्रयुक्त कॉपर प्लेटों का कुल वजन इतना है जिसका, अतः श्री केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उक्त संबंध में सोशल मीडिया के द्वारा जारी भ्रामक जानकारी का खंडन करती है। मतलब सबसे पहले एक भ्रामक जानकारी जारी करना और उसके बाद इसकी चर्चा भी नहीं की गई है, इसके द्वारा इसे आवाज उठाना। मैंने मनीष जी मैं बताता हूँ 2022 देखिए उसमें तारीख दी 2022, ये हर साल 6 महीने में कांग्रेस ही शुरू करते हैं और अब किसको उतार दिया मैदान में, ये आ गया ये आके बंबई और दिल्ली में नौटंकी कर रहा है, नाटकबाजी कर रहा है। और मेरा तो सीधी सीधी शिकायत मनीष जी ये है कि उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कोई आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो, ये फर्जी आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके बारे में, ये कैसे शंकराचार्य बना बैठा है? तो क्या सरकार खाली तमाशा देखने के लिए है, जंगल में बुलडोजर चलाने के लिए है? जरा पुष्कर सिंह धामी इसको एहसास कराएं कि तुम्हारा फर्जी वाला नंगा नाच हम अपने यहाँ नहीं होने देंगे, जाओ पहले कोर्ट से सर्टिफिकेट लेके आओ तब यहाँ बैठना, या हिंदू धर्म के जो अखाड़े हैं उनसे जाके सर्टिफिकेट लेके आओ। देखिए जैसे क्रोमा कटता है वैसे इस आदमी ने ये एक वीडियो बनाया है अपना और वीडियो बना करके जारी जो किया गया है, चलिए हम इसे नहीं दिखाते, हो सकता है इसका अपना कहीं निजी हो तो छोड़ देते हैं, लोग ट्विटर पे अपना जाकर के देख लेंगे सतीश जी ने डाला हुआ है इस चीज को, ये सब खिलंदड़ है अलग अलग ढंग के। आपने वो झांसाराम बापू का तो देख ही लिया था, उसके बाद वो जो जिसे आप वो कहते हैं कब्बाल, कब्बाल ने